गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड थर्ड में यूनिट 9 का जो पार्ट 1 है, जो पोएम है, वो आज हम सीखेंगे। तो बच्चों, ओपन द टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 88। ओपन द टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 88। तो बच्चों, आप देख रहे अपनी टेक्स्ट बुक में कि एक पिक्चर है, उसमें एक बच्चा है और उसके पेरेंट्स है। तो ये बच्चा अपने पेरेंट्स को क्या कहना चाहता है और वो जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चे को क्या कहना चाहता है, वो यहाँ एक छोटी सी स्टोरी के रूप में एक छोटी सी पोएम है। तो बच्चों, यहाँ ये जो बच्चा है वो कुछ चीज़ें करना चाहता है, कुछ चीज़ें बताना चाहता है, कुछ चीज़ें ऐसी आगे करना चाहता है, लेकिन अपने जो बड़े होते हैं उनके जो पेरेंट्स हैं वो नहीं करने देते, क्योंकि वो जो पेरेंट्स होते हैं वो जो पेरेंट्स ये जो सोचते हैं कि अभी तुम बहुत छोटे हो, ये तुम काम नहीं कर सकते, वो तुम काम नहीं कर सकते, लेकिन ये जो छोटा बच्चा है वो ये जानता है, वो ये सोचता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो इसी रूप में एक छोटी सी पोएम है, यानी कि कुछ जो ऐसी जो चीज़ें होती है जो बड़े नहीं कर सकते, लेकिन वो जो बच्चे वो कर सकते, तो उस पर एक छोटी सी पोएम है। आर देयर सम थिंग्स अबाउट ग्रोन अप। ग्रोन अप मीन्स अपने जो बड़े होते हैं। डोंट लेट यू डू, यानी कि हमें इस पोएम में ऊपर ये कहा गया है कि कुछ ऐसी चीज होती है, ऐसी कुछ वस्तु होती, ऐसे कुछ काम होते जो अपने बड़े होते, यानी कि हमारे बड़े यानी कि हमारे जो पेरेंट्स होते, हमारे जो सिबलिंग्स मीन्स भाई बहन होते, हमारे काका काकी दादा दादी होते, जो हमें नहीं करने देते। रीड अबाउट व्हाट दिस चाइल्ड फील्स, यानी कि यहाँ एक छोटे से बच्चे की बात की गई है कि ये जो छोटा सा बच्चा है वो कुछ काम करने जा रहा है, उसको बहुत इच्छा है कि मैं ये काम करूँ, लेकिन उनके जो बड़े होते वो उनको काम नहीं करने देते। तो उस समय वो जो बच्चा कैसा फील करता है, यानी कि उसके अंदर कैसा अनुभव होता है, कैसा फील होता है, उसके बारे में एक छोटी सी पोएम है, तो वो आज हम सीखेंगे। डोंट टेल, तो बच्चों यहाँ डोंट टेल का मतलब बताना नहीं, ऐसा भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो जो बच्चे के पेरेंट्स है वो कोई भी बात कहते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो वो जो बच्चा भी उसकी कॉपी करने की कोशिश करता है, तो वो जो बड़े होते हैं उसको मना कर देते हैं, तो उसी सब्जेक्ट में डोंट टेल कहा गया है। तो बच्चों, आज हम ये जो पोएम है वो सीखेंगे। देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, बच्चों लॉट्स ऑफ मीन्स नंबर ऑफ मीन्स काफी। दे वॉन्ट लेट मी डू, आई एम नॉट बिग इनफ येट दे से। तो बच्चों यहाँ जो फॉर जो स्टांजा है उसमें ये कहा है कि देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, यानी कि वो जो बच्चा ये कहता है कि यहाँ नंबर ऑफ थिंग्स है, यानी कि कई जो वस्तुएं हैं, दे वॉन्ट लेट मी डू, बच्चों दे मीन्स उसके जो पेरेंट्स है उसके लिए दे यूज किया है, तो उनके जो पेरेंट्स वो करने नहीं देते, यानी कि वो बच्चे को नहीं करने देते। आई एम नॉट बिग इनफ येट दे से, उनके पेरेंट ये कहते हैं कि अभी तक तुम इतने बड़े नहीं हुए हो। इनफ मीन्स पर्याप्त, यानी कि तुम अभी तक इतने बड़े नहीं हुए हो कि तुम ये काम कर सको। तो बच्चों यहाँ लॉट्स ऑफ, तो लॉट्स ऑफ का मीनिंग होगा नंबर ऑफ, मीनिंग काफी। लॉट्स ऑफ मीन्स नंबर ऑफ। दे, तो बच्चों दे मीन्स जो बच्चे के पेरेंट्स है उसको कहा गया है। इनफ मीन्स पर्याप्त, मीन्स हम हमारी मदर टंग में कहते हैं पूर्ता प्रमाण में। येट मीन्स अभी तक, तो बच्चों ये जो थर्ड जो स्टांजा है उसमें ये कहा है कि वो जो बच्चे को कुछ थिंग्स दिखाई देती है, यानी कि उसके सामने कई जो थिंग्स है
लेकिन उनके जो पेरेंट्स है वो उन बच्चे को नहीं करने देते, क्योंकि उनके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि तुम अभी तक इतने बड़े नहीं हुए हो कि तुम ये काम कर सको। अब नेक्स्ट जो स्टांजा उसमें क्या है आप बच्चों अभी हम आगे देखेंगे। सो आई पेशेंटली वेट, पेशेंटली शांति से, शांति। तो ये बच्चा ये सोचता है कि मैं शांत से वेट, वेट मीन्स इंतजार करना, राह देखना। तो ये बच्चा ये सोचता है कि मैं शांत से इंतजार करूंगा। टिल आई एम ऑल ग्रोन अप, ग्रोन अप बच्चों फिर से आए, ग्रोन मैच्योर मीन्स फुल्ली एडल्ट, यानी कि जब तक मैं फुल्ली एडल्ट मीन्स जब तक मैं मैच्योर नहीं होता तब तक मैं शांत से इंतजार करूंगा। एंड आई विल, बच्चों यहाँ आई विल का शॉर्ट फॉर्म है मीन्स आई विल, मीन्स फ्यूचर की बात की गई है। आई विल शो देम ऑल वन डे, यानी कि एक दिन में मेरे पेरेंट्स और सभी जो मेरे से बड़े हैं उनको मैं सच में दिखाऊंगा कि मैं सब कुछ काम कर सकता हूँ। तो बच्चों ये जो सेकंड जो स्टांजा है उसमें ये बच्चा शांत से वेट करता है, मीन्स इंतजार करता है। कब तक इंतजार करता है? तो जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता तब तक वो शांति से इंतजार करता है। एंड वो ये सोचता है कि मैं एक दिन मीन्स फ्यूचर में, आई विल मीन्स फ्यूचर में, मैं फ्यूचर में एक दिन सबको बताऊंगा कि मैं भी ये काम कर सकता हूँ। बच्चों हम अभी नेक्स्ट देखेंगे ये जो नेक्स्ट जो स्टांजा है उसमें क्या कहा है। नेक्स्ट स्टांजा थर्ड, आई कूड शो देम नाउ, मैं आई कूड शो, कूड मीन्स कोई भी बात कर सकना, कोई भी काम कर सकना, यानी कि मैं अभी कोई भी काम कर सकता हूँ, मीन्स अभी काम कर सकता हूँ। इफ दे गिव मी द चांस, यदि वो लोग मुझे चांस दे, मौका दे, गिव, गिव का यहाँ बच्चों आप देख रहे हो अपनी टेक्स्ट बुक में गिव का पास्ट टेंस गिव है, मीन्स देना, चांस मीन्स मौका। तो ये बच्चा ये कह रहा है कि मुझे जो ये लोग चांस दे, देर आर थिंग्स आई कुड डू इफ आई ट्राइड, यानी कि मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ, यानी कि मैं काम कर सकता हूँ इफ आई ट्राइड, यदि मैं कोशिश करूँ, यदि मैं कोशिश करूँ तो मैं ये काम कर सकता हूँ। ऐसा ये बच्चा है, वो सोचता है अपनी तरफ। नेक्स्ट है, बट नोबडी नोस, नोबडी मीन्स कोई नहीं, नोस मीन जानना, तो ये कोई नहीं जानेगा, नो नो बड़ी नो, नहीं ये कोई नहीं जानेगा, देट आई एम रियली अ जायंट, यानी कि रियल में मीन्स असल में मैं एक बड़ा हूँ, इनसाइड मीन अंदर से मीन्स भीतर से मैं बहुत बड़ा हूँ, लेकिन मेरी ये बात कोई नहीं जानेगा कि मैं ये सब कुछ काम कर सकता हूँ। तो बच्चों आज हमने जो पोएम सीखी उसमें क्या है, आज बच्चों हमने ये जो पोएम सीखी उसमें क्या, वो मैं आपको फिर से एक बार सिखाऊंगी ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो डोंट टेल मिस, बच्चों मैंने आपको आगे सिखाया, देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, लॉट्स ऑफ, बच्चों मैं आपको फिर से सिखाती हूँ, आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो, लॉट्स ऑफ मीन्स नंबर ऑफ, लॉट्स ऑफ मीन्स नंबर ऑफ, यानी कि ये जो बच्चा है ये
ये कहता है कि ऐसी कई चीजें हैं, ऐसे कई नंबर ऑफ थिंग्स हैं, दे वॉन्ट लेट मी डू। दे बच्चों, मैंने आपको अभी सिखाया, दे मीन्स वो जो बच्चे के माता पिता है वो पेरेंट्स के लिए दे यूज किया है। आई एम नॉट बिग इनफ येट, मैं दे से उसके माता पिता उसके पेरेंट्स ये बच्चे को कहता है, कहते हैं कि आप इतने अभी तक इनफ में पर्याप्त मीन्स बड़े नहीं हुए हो कि तुम ये सब काम कर सको। तो बच्चों इनफ यानी कि उनके माता पिता अपने बच्चे को ये कहना चाहते हैं कि तुम अभी तक इतने पर्याप्त मीन्स अभी तक तुम इतने मैच्योर नहीं हुए हो कि तुम सब कुछ काम कर सको, इसलिए हम आपको मना कर रहे हैं। तो ये जो बच्चा है वो कुछ कहना चाहता है, कुछ करना चाहता है, लेकिन उनके माता पिता नहीं करने देते, इसलिए वो जो बच्चा है वो अंदर से गिल्टी यानी कि ऐसे जो फीलिंग्स होती है वो ऐसे महसूस करता है। नेक्स्ट है बच्चों स्टांजा, सो आई पेशेंटली वेट। तो बच्चों पेशेंट का मीनिंग दो तरफ से होता है, यानी कि एक जो पेशेंटली होता है वो काम लेके शांति से, यहां जो इस जो पोएम में यूज हुआ है वो कामली में शांत के रूप में यूज है, लेकिन उसका जो दूसरा जो मीनिंग है वो मरीज भी हो सकता है। तो सो आई पेशेंटली वेट टिल आई एम ऑल ग्रोन अप। ग्रोन अप बच्चों मीन्स मैच्योर मीन्स फुल्ली एडल्ट। तो एंड आई विल शो देम ऑल वन डे। बच्चों आई विल, मैंने आपको अभी सिखाया आई विल इस फ्यूचर की बात, तो आई कुड शो देम नाउ, सॉरी, सो आई पेशेंटली वेट टिल आई एम ऑल ग्रोन अप एंड आई विल शो देम ऑल वन डे। यानी कि मैं इंतजार करूंगा, शांति से वेट करूंगा टिल आई एम ऑल ग्रोन अप, जब तक मैं बड़ा नहीं हो जाता, जब तक मैं मैच्योर नहीं हो जाता, जब तक मैं फुल्ली एडल्ट नहीं हो जाता, तब तक मैं शांति से इंतजार करूंगा एंड आई विल शो देम ऑल वन डे, और एक दिन मैं सबको बताऊंगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ। यानी कि ये जो बच्चा है वो ये सोचता है कि यदि मेरे माता पिता अभी मुझे मना कर रहे हैं, लेकिन मैं शांत से वेट कर कर जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये काम कर सकता हूँ, ऐसा मैं अपने माता पिता और जो मेरे से बड़े हैं उनको मैं बताऊंगा। आई कुड शो देम नाउ, मैं अभी दिखा सकता हूँ, मैं अभी ये काम कर सकता हूँ, लेकिन वो जो लोग हैं उनको अभी मेरे पर ट्रस्ट नहीं, इसलिए वो मुझे ये काम नहीं करने देते। इफ दे गिव मी द चांस दे आर थिंग्स आई कुड डू इफ आई ट्राई। यानी कि यदि जो वो लोग मुझे अभी मौका दे तो मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम करने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन ये जो बच्चे के माता पिता है उनको कोशिश नहीं करने देते, इसलिए वो जो बच्चा ट्राई नहीं करता। बट नोबडी नोस, लेकिन नोबडी नोस मीन्स कोई नहीं जानता, नोबडी नोस नहीं, कोई नहीं जानता देट आई एम रियली अ जायंट। बच्चों जायंट मीन्स ह्यूज मीन्स बड़ा, यानी कि मैं बड़ा हूँ, इनसाइड मीन्स मैं अंदर से बड़ा हूँ, ये कोई नहीं जानता, इसलिए मुझे ये लोग काम नहीं करने देते। तो बच्चों मैंने आपको दो बार सिखाई ये पोएम, तो आपको मैं आशा रखती हूँ कि आपको समझ में आई होगी।
कि एक बच्चा है वो कुछ चीज़ें करना चाहता है, वो अपने आप से कुछ चीज़ें करना चाहता है, कुछ काम करना चाहता है, कुछ चीज़ें दूसरों को बताना चाहता है, लेकिन अपने जो बड़े होते हैं वो ये काम नहीं करने देते, क्योंकि वो जो ये सोचते हैं कि तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम ये काम नहीं कर सकते। लेकिन कई कई बार बच्चों ऐसे होता है, ऐसा होता है कि जो लोग बड़े नहीं करते वो काम छोटे जो बच्चे वो कर सकते। तो ऐसी एक जो छोटी सी पोएम थी उसमें एक बच्चा था, बच्चा कुछ काम करना चाहता था लेकिन अपने बड़े नहीं करने देते थे, तो ये बच्चा अंदर से कैसे फील करता था। तो ये जो हमने अभी ये जो पोएम सीखी उसमें मैंने आपको सिखाया। तो एक जो बच्चा था वो अभी तक नहीं कर सकता क्योंकि उनके जो बड़े होते वो उनको नहीं कर देते, इसलिए वो शांति से इंतज़ार कर कर वो ये सोचता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब एक दिन मैं सब कुछ काम कर सकता हूँ, ऐसा मैं अपने बड़ों को दिखाऊंगा। यदि वो लोग अभी मुझे ये कहे कि तुम ये काम कर सकते हो तो मैं ये काम कर सकता हूँ, यानी कि वो जो बच्चा है वो ये सोचता है कि मुझे कुछ नहीं जानेगा, मुझे कोई भी व्यक्ति नहीं जानेगा, लेकिन मैं अंदर से बहुत बड़ा हूँ, मीन्स ह्यूज हूँ, मीन्स जायंट, मीन्स बड़ा। तो बच्चों उनके जो वर्ड से वो आज हम सीखेंगे। फर्स्ट है बच्चों इनफ, इनफ मीन्स पर्याप्त मात्रा में, चांस, चांस मीन्स बच्चों अवसर कहा जाता है, मौका कहा जाता है, जायंट, जायंट बच्चों ह्यूज मीन्स बड़ा, पेशेंट, पेशेंट मीन्स शांति से मीन्स काम। बच्चों पेशेंट का दूसरा अर्थ मरीज होता है, जो हॉस्पिटल में जो बीमार लोग होते हैं जो पेशेंट कहा जाता है। तो बच्चों आज हमने ये जो पोएम सीखी उसकी जो एक्सरसाइज पेज नंबर 89 पर की, वो हम हमारी जब अगली वीडियो आएंगी इसमें हम करेंगे। तो बच्चों आपको हमारी अगली वीडियो में टेक्स्ट बुक के साथ साथ नोटबुक, पेंसिल, रबर, शार्पनर लेकर बैठना है, ताकि कुछ जो क्वेश्चन आंसर से वो हम लिख सके। तो बच्चों थैंक यू।